Hello, dear students, it's me Shakil Khan. Students, in today's video, you are going to learn the use of future indefinite tense into passive voice. But this passive voice is from Urdu to English. So first of all, let's see what is the definition of passive voice. The definition of passive voice is when the action expressed by the verb is received by the subject, it is passive voice. Passive voice is used when the doer of the action is not known and the focus of the sentence is on the action, not on the subject. Students, आज की क्लास में आप सीखेंगे फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस में इस्तेमाल. सबसे पहले पैसिव वॉइस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर फार्मूला और पहचान की बात करेंगे. पैसिव वॉइस की डेफिनेशन है, जब फ़ैल के ज़रिए जाहिर किया गया अमल मज़मून के ज़रिए मौसूल होता है तो ये गैर फ़ाल आवाज़ है यानि पैसिव वॉइस है. गैर फ़ाल आवाज़ यानि पैसिव वॉइस उस वक्त कहलाती है जब अमल करने वाला मालूम न हो और जुमले का फोकस अमल पर हो ना के मौजू पर. आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है और इसकी उर्दू में पहचान क्या है. स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस फार्मूला. द फार्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस नाउन और प्रोनाउन. इट्स आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू इज़, अगर उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में गा गी गे आए तो हम इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं इस फार्मूले को लेके जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस फार्मूला. बसंत के मौका पर लाहौर में पतंगें उड़ाई जाएंगी. काइट्स विल बी फ्लोन इन लाहौर ऑन द इवेंट ऑफ बसंत. काइट्स विल नॉट बी फ्लोन इन लाहौर ऑन द इवेंट ऑफ बसंत. विल काइट्स बी फ्लोन इन लाहौर ऑन द इवेंट ऑफ बसंत. इस शहर में नई मंडियां कायम की जाएंगी. New markets will be established in this city. New markets will not be established in this city. Will new markets be established in this city? Students, one thing which is very important to remember that how to make sentences as negative and interrogative. So, just put not after will for negative sentences. And for the interrogative sentences, just put will before the object, as I did in the first two sentences. So this is the way to make sentences as negative and interrogative. So don't forget that. 2 साल के अंदर अंदर नई कंपनी के जरिए बेरोजगार लोगों को काम करने के नए मौके फराहम किए जाएंगे. New jobs opportunities will be provided to the unemployed people within 2 years by the new company. इस कंपनी में ख्वातीन को काम करने के जदीद तकाजों के तहत नए हुनर सिखाए जाएंगे. Women will be taught new skills under the modern requirements of working in this company. उन्हें इस मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी. They will not be allowed to enter the country. ये फूल नहीं तोड़े जाएंगे. These flowers will not be plucked. इन लोगों को इस जामिया में दाखिले नहीं दिए जाएंगे. These people will not be given admission in this university. क्या हमें
दावत में मधु किया जाएगा? विल वी बी इन्वाइटेड टू द फीस्ट? क्या तमाम अहम सियासतदानों को अदालतों में तलब किया जाएगा? विल ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिटिशंस बी समंड टू द कोर्ट? एक ही दिन में आप सबके कपड़े इस्त्री कर दिए जाएंगे? All your clothes will be ironed in one day. Students, it was all about the use of future indefinite tense in passive voice. I hope you enjoyed it and found it useful. So keep on learning English with Indus English. Let's see in the next video. Till then, God bless you. Bye-bye.